रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में लोग कहते हैं कि ये लिक्विड नहीं है, यहाँ पर लेकर आपको बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ता है। रियल एस्टेट के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये टर्नओवर बहुत स्लो होता है। इसमें रियल एस्टेट के अंदर आपको इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल आपके सामने हाजिर खिदमत हूं आज रेड बॉक्स टीवी के साथ एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो कि हमारी मईशत के लिए एक बहुत अहम और संगमील का किरदार अदा करता है, और वो सेक्टर है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए मुख्तलिफ जगहों पर अपना पैसा लगाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, बैंकों के अंदर शरह सूद मुनाफा की सूरत में कमाने के लिए पैसा लगाते हैं, और गो के आपको पता है कि आजकल इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 7% पर है, लिहाजा वहां पर ज्यादा आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। स्टॉक मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट है जहां पर अप एंड डाउन बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग वहां पर भी पैसा लगाते हुए घबराते हैं, बट इट इज गिविंग यू अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ रिटर्न्स इन फ्यूचर। सबसे लुक्रेटिव और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है वो है रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में लोग कहते हैं कि ये लिक्विड नहीं है, यहां पर लेकर आपको बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ता है। आप चाहे वो जमीन ले लें, अपार्टमेंट ले लें, मकान ले लें, या कोई दुकान ले लें, आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए दो दो तीन तीन चार चार साल इंतजार करना पड़ता है कब कहीं जाकर के आप उसका फल खा सकते हैं। रियल एस्टेट के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये टर्नओवर बहुत स्लो होता है, इसमें हम जल्दी जल्दी इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाते, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट। रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का एक लुक्रेटिव और बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिटेबल सेक्टर है, जहां पर गुज़िश्ता 25-30 सालों से मैं ज़ाती तौर पर देख रहा हूं कि कीमतों में तेजी का रुझान मुस्तकिल बुनियादों पर जारी उसारी है। रियल एस्टेट के अंदर आपको इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। आज पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन कराची के अंदर, करोड़ों पैसे कम कोई चीज मिलती नहीं, लेकिन इसके बावजूद कीमतों में तेजी का रुझान, नई बस्तियां आबाद हो रही हैं, नए सिटीज डेवलप हो रहे हैं, बैरिया टाउन, डीएचए, एएसएफ सिटी वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स के लातादाद प्रोजेक्ट्स पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जेन्युइन डिमांड है मार्केट के अंदर, मार्केट में डिमांड में इजाफा हो रहा है, और माशियात का एक बुनियादी उसूल है डिमांड एंड सप्लाई। और जैसा कि आप जानते हैं कि व्हेन देयर इज मोर डिमांड देयर इज मोर प्राइस, लिहाजा इस डिमांड की वजह से, लोगों की तलब की वजह से कीमतों में तेजी का रुझान पाया जाता है। अब आ जाइए, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, किसके पास करें, बड़े मसाइल हैं, बड़ी परेशानियां हैं, यकीनन बहुत स्कैम्स भी हैं, झूठ और सच दोनों का मेल मिलाप है। यहां पर आपको बचना है, समझना है, उन लोगों के साथ काम करें जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज रखते हैं, जो सिंसियर गाइड करते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं जिनकी तमाम जमीन के मामलात और दीगर एनओसीज क्लियर हो। इस सिलसिले में नीचे दिए हुए नंबरों पर आप राब्ता कर सकते हैं, और बेहतर अपॉर्चुनिटी बिजनेस की, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की हासिल कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये लिक्विड नहीं है, इसमें आप जल्दी ट्रेडिंग करके निकल नहीं पाते, बहुत लॉन्ग आवर्स, बहुत लॉन्ग टाइम तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, जो जगह नई डेवलप हो रही हैं, जो न्यूली डेवलपमेंट हो रही है, जहां पर जाहिर है उन जगहों पर जो कि कम जो कि डेवलप हो चुकी है, जस्ट लाइक जैसे मैं आपको मिसाल दूं, कराची के अंदर डिफेंस है, पीसीएचएस है, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान है, जो अरे डेवलप हो चुकी है, तमाम लैंड फिल हो चुकी है, तो जाहिर है कीमतों के अंदर तेजी तो थी, लेकिन कीमतों में एक इस्तेहकाम आ गया। अब इसके बाद मजीद कीमतों में कमी बहुत ग्रेजुअल होगी, लिहाजा अब जहां नई बस्तियां बन रही हैं,
जहाँ नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वहां पर डिमांड हो रही है ज्यादा, वहां पर तेजी का रुझान पाया जाता है, वहां पर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे लुक्रेटिव और सबसे मुस्तहकम जो जगह है वो है बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन कराची जो कि आप जानते हैं पुटोल प्लाजा से 11 किलोमीटर के फासले पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जदीद तर्ज रिहाइश का अजीम शान प्रोजेक्ट है। यहां पर प्राइवेट बिल्डर्स के जो के वक्त पे डिलीवरी देते हैं, जिनका प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी अच्छी है, जिनकी लोकेशन अच्छी है, जहां पर कीमतें आज भी आपको प्री लॉन्च पर बहुत मुनासिब मिल रही हैं, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करके क्विक ट्रेडिंग कर सकते हैं। 6 मंथ्स से लेकर के 10 मंथ्स तक के टाइम पीरियड में भी आप क्विक ट्रेडिंग करके अच्छा कैपिटल गेन करके निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म्स के लिए साल, 2 साल, 3 साल के लिए भी आपके लिए बेहतरीन एवेन्यू है बहरिया टाउन कराची। इस सिलसिले में जितने भी बहरिया टाउन के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं नीचे दिए हुए नंबरों पर उसकी तफसीलात हासिल कर सकते हैं, चाहे वो 1 बेडरूम का 500 स्क्वायर फिट का अपार्टमेंट हो या 1400 स्क्वायर फिट का एक अच्छा 3 बेडरूम अपार्टमेंट हो, एक कमर्शियल शॉप हो या ऑफिस हो या एक प्लॉट हो। इस सिलसिले में हम आपकी मदद और रहनुमाई करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।